आप सबको गोपाला जी का नमन। देखिए, हर वनस्पति में कुछ न कुछ गुण जरूर है, चाहे वो औषधीय गुण है या अगर अध्यात्म में आपका विश्वास है या आस्थावान है आप, तब कहीं ना कहीं उसको आस्था से जोड़ा गया है, अध्यात्म से जोड़ा गया है, पूजा पाठ से जोड़ा गया है। तंत्र शास्त्र में अगर जाते हैं तो उनकी तांत्रिक वैल्यू है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पदार्थ तंत्र में, विशेष रूप से गोपाला जी के, अगर आप पदार्थ तंत्र में जाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि इन पदार्थ की क्या वैल्यू है। देखिए, एक बहुत छोटा सा एक उपाय बता रहा हूं। इस वनस्पति आपको दिखाई भी दे रही है, इस वनस्पति का नाम है हड जोड़ बोलते हैं। जो ट्राइबल्स हैं वो इसको यूज करते हैं, हड्डी अगर टूट जाती है तो उसको बांध देते हैं, बड़ा इससे रिलीफ मिलता है। उसको कपच्ची से बांध दिया, बांस से उसको टिका दिया तो वो हड्डी जुड़ जाती है। ये सत्य है और इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, मगर ये ट्राइबल्स में ऐसी मान्यता भी है। मान्यता क्या, मैंने खुद पर्सनली देखा मैंने कि जहां पे आपस में परस्पर प्रेम नहीं होता है ना, बहुत सारे आप देखेंगे कि ऐसे परिवार हैं जो उनके पति बहुत ज्यादा ड्रंक ओल्ड ड्रंकिंग रहते हैं या और बहुत सारे नशे के आदि हैं, या कहीं ना कहीं किन्हीं कारणों से मनमुटाव है आपस में, तो वहां पे देखा मैंने कि ये यूज करते हैं। इसको देने का यही उद्देश्य है कि जब वो ट्राइबल्स यूज करते हैं, उनको विचारों को कहां वहां पे कोई उनके पास रेमेडी, कहां उनके पास कोर्ट कचहरी, वो इसी टाइप के अपने टोने टोट के छोटी छोटी चीजों से अपने आप को सुधार करते रहते हैं। तो मैं ये दिखा रहा हूं आपको हड जोड़, ये इजली अवेलेबल, मैं समझता हूँ कोई बहुत ऐसी चीज नहीं है, कोई रेयर रोड नहीं मिले आपको, ये आप तलाश कर लीजिए। और एक नक्षत्र आता है पुष नक्षत्र, ये आपको इजिली मिल जाएगा पंचांग में। और अगर पुष नक्षत्र से और भी अच्छा देखना है तो जिस दिन रविवार हो और रविवार के दिन जिस दिन पुष नक्षत्र पड़े, ये भी आपको पंचांग से मिल जाएगा। ये आप चुन लीजिए, उससे एक दिन पहले जहां पे आप वनस्पति लेने जाएंगे, आप ये वाले हड़जोड़, आप उसको निमंत्रण देने का भी तरीका है, मेरे वीडियोज आप देखते रहे, उसको देख लेंगे कि कैसे किसी वनस्पति को अपने प्रयोजन के लिए घर लाते हैं। तो आप उसको उस तरीके से घर लाने के लिए उससे पहले निमंत्रण दीजिए। और जिस दिन रवि पुष नक्षत्र हो, अगर बहुत जल्दी है तो केवल पुष नक्षत्र देख लीजिए, माह में एक बार आता है ये, अपने घर ले आइए इसकी थोड़ी सी टुकड़ा काट के और इसको ब्लैक कलर के कपड़े में लपेट लीजिए और एक ताबीज सरिका बना लीजिए, है ना, छोटा सा पीस ले लीजिए, ताबीज की तरह बन जाएगा वो। और उस पीस को आप गले में अगर बांध सकते हैं तो गले में बांध दीजिए, कमर में बांध सकते हैं तो कमर में बांध दीजिए, हाथ में बांध दीजिए, पैर में बांध दीजिए, और अगर नहीं भी बांध सकते हैं तो अपने कहीं भी अपने पर्सनल, जहां आपके कैरी बैग हैं, आपका पर्स है, बटुआ है, उसमें भी आप एक दिन रखें। इसके प्रभाव से आप देखेंगे कि एमिकेबल रिलेशंस होने लगते हैं, परस्पर मधुर प्रेम होने लगता है, एक दूसरे की सुनने लगते हैं। अगर लड़का है तो लड़की की, लड़की है तो लड़के की, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एमिकेबल रिलेशंस होने लगते हैं, मधुर संबंध बनने लगते हैं, प्रेम पनपने लगता है, प्रेम और स्नेह की बरसात होने लगती है इससे, ऐसा मैंने प्रैक्टिकली देखा। तो अगर आपको कहीं ऐसा कष्ट लग रहा है तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं, हर जोड़ को। मैंने इसकी वनस्पति आपको दिखा भी दी, इसीलिए आप देखें और इसको प्रयोग करें। अच्छा लगे दोस्तों तो प्लीज एक ही रिक्वेस्ट की गोपाला जी मोटिवेशनल वीडियोज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें लोगों को, नोटिफिकेशन बेल में प्लीज क्लिक जरूर कर दें ताकि आपको हमारे अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर हेडिंग गोपाला जी।